होंडा सिटी जो है ये 2006 का मॉडल है, 10 वाल में होती है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये इसके बिल्कुल साफ हालत में है। बोर्ड एसी वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है जी। टायरों में इसके भी अलॉय रिम जो है ये देख सकते हैं मौजूद है। टायर वाइड एंगल से भी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह ठीक हालत में है। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सारे दोस्त अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अयाज गिल फिर से मौजूद है जी एक और नई वीडियो के साथ। अभी मैं जिस शोरूम के ऊपर मौजूद हूँ, पीछे आप देख सकते हैं ये है जी मक्का मोटर्स, और मक्का मोटर्स का जो ऑनर है ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्का मोटर्स के ऊपर हम आए हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं क्या आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इफ्तखार है। हाजी मोहम्मद इफ्तखार साहब हमारे साथ मौजूद है, तो सर मुझे बताइएगा कि आज आपके शोरूम के ऊपर कितनी गाड़ियाँ मौजूद है और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? जी माशाल्लाह हमारे पास अभी 6-7 गाड़ियाँ भी पास हमारे खड़े हैं। ठीक है जी, 6-7 गाड़ियाँ जिनके पास मौजूद है, कौन कौन सी गाड़ियाँ? कल्टस खड़ी है, वैगनर खड़ी है, उसके पास अभी डिब्बा खड़ा है, होंडा सिटी खड़ी है हमारे पास अभी। ठीक है, ये जो गाड़ियाँ लो प्राइस में ठीक है ये इनके पास मौजूद हैं, और इनके पास अगर जो भी बंदा वीडियो देख के आएगा उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे। बाकी जो है आपको दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन से मॉडल खड़े हैं और उनकी शोरूम के ऊपर डिमांड क्या की जा रही है। बाकी जो है इफ्तिखार साहब आप जो है व्यूवर्स को अपना एड्रेस बताइएगा, अगर कोई बंदा वीडियो देख के यहाँ पे शोरूम विजिट करना चाहता हो तो आपका एड्रेस क्या है? जी हमारा एड्रेस है राहवाली पीरोशी दरबार नस बहु मोटर केएफसी है, केएफसी के बिल्कुल साथ है मक्का मोटर। ठीक है, मक्का मोटर्स के ऊपर आप आ सकते हैं, एड्रेस जो है भाई ने आपको बता दिया है। तो व्हाट्सएप नंबर जो है आपका ये भी आप इस वीडियो में बता देता है कि रब्ता करने में लोगों को आसानी हो। हमारे हमारे वो ऊपर दिए हुए हैं 0308-92-17-821, 0313-64-82-214, ये हमारे दोनों व्हाट्सएप के नंबर हैं। जो भी वीडियो देख के भाई आएगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी हमारे पास। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। अभी जो है गाड़ियाँ आपकी दिखाते हैं व्यूअर्स को, और उम्मीद है कि उनको गाड़ियाँ पसंद आएंगी। तो चलें जी दोस्तों गाड़ियाँ आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो सबसे पहले जो इनके पास सुजुकी एवरी मौजूद है ये है जी 2011 मॉडल है, 14 की ये इम्पोर्ट है लाहौर का, ये रजिस्टर्ड है, डब्बा ठीक है, कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं, और साइड में ये इसकी स्प्रे है गाड़ी की ठीक है, और बाकी आप इसकी जो है कंडीशन देख सकते हैं फ्रंट से ठीक है। साइडों की कंडीशन भी इसकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये जो है आप इसकी साइडों की कंडीशन देख सकते हैं ठीक है। इसके डोर्स वगैरह हैं, और इसके बाद इसका जो है अंदर से जो है ये आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी जो है ये मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में है ठीक है। ये इसकी सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये इसका बैक रूम है, अंदर से रूफ वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं ठीक है। ये इसकी डोर है, और बाकी अगर आ जाए इसकी बैक साइड के ऊपर तो बैक साइड गाड़ी की आपको दिखा देते हैं। ये जनाब इसकी जो बैक साइड है ये भी आप इस तरह से देख सकते हैं ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसकी बैक साइड है, और ऑलमोस्ट जो है तकरीबन साफ हालत में ही ये गाड़ी जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अभी जो है आपको मैं इसका इसकी जो डिमांड है ये बता देता हूँ, इस गाड़ी की डिमांड है ये कितनी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके बिल्कुल क्लियर है। आगे जो है ये होंडा सिटी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, डिमांड इसकी शोरूम वाले कर रहे हैं जी 13.5 लाख रुपये, इसमें मजीद कमी पेशी हो जाएगी। अगर कोई बाई इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में तो आप लोग कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, नंबर इनका स्टार्ट में जो है आप लोगों से शेयर किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को होंडा सिटी दिखा देते हैं जी। होंडा सिटी जो है ये 2006 का मॉडल है ठीक है, और फैसलाबाद की ये रजिस्टर्ड नज़र आ रही है मुझे, बाकी आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर खुद भी देख सकते हैं, राइटिंग थोड़ी सी इस तरह की है मुझे कोई मिस्टेक ना लग जाए। बाकी आप इसका फ्रंट बम्पर और बॉनेट वगैरह देख सकते हैं, गाड़ी की कंडीशन आउटलुक जो है ये बिल्कुल फ्रेश है ठीक है, और इसके साथ इसके जो टायर हैं ये आप देख सकते हैं, इसके अलॉय रिम और टायरों की जो कंडीशन है, साइड ऑफ इसके जो फेंडर और डोर हैं ये इसके ऑलमोस्ट बिल्कुल स्क्रैचलेस नज़र आ रहे हैं ठीक है। बाकी ये ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है ना ये फ्रेश लुक के लिए स्प्रे है। बैक साइड आप गाड़ी की विजिट करें जी ठीक है, बैक बम्पर डिक्की वगैरह, और इसकी जो दूसरी साइड है ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी तकरीबन बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है ठीक है। यहाँ पर इसके जो डोर्स हैं ये भी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, साथ गाड़ी खड़ी है तो ज़्यादा जो है मैं डीपली नहीं दिखा सकता, और बाकी जो है इसका मैं अंदर से आप लोगों को व्यू वगैरह चेक करवाता हूँ डैशबोर्ड वगैरह का। और एक और बात, ये जो होंडा सिटी है ये मैनुअल में होती है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन में है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके डोर की कंडीशन आप चेक करें ठीक है जी, पावर विंडोज के ऑप्शन इसमें मौजूद है, और यहाँ पे आ जाता है इसका डैशबोर्ड, तो इसमें जो है गियर ट्रांसमिशन ये ऑटोमेटिक है, और डैशबोर्ड वगैरह इसका आप देख सकते हैं ठीक है। ये इसकी सीट्स वगैरह की कंडीशन है, यहाँ से इसकी जो थोड़ी सी पोशिश है ये हल्की सी रफ है, आप इसके जो है कवर वगैरह डलवा सकते हैं और इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं मजीद। यहाँ पर इसका जो बैक रूम है ये भी आप व्यू कर सकते हैं ठीक है, और बैक रूम भी इसका बिल्कुल ठीक ज़बरदस्त हालत में है, गाड़ी ऑल ओवर ठीक हालत में नज़र आ रही है। आ जाएँ इसके इंजन आप लोगों को चेक करवाते हैं, फिर इसके जो है डिमांड आपसे शेयर करते हैं कि इसकी कितनी डिमांड कर रहे हैं। गाड़ियाँ ये नहीं है गाड़ियाँ, इसके बाद यहाँ पे और भी मौजूद हैं जो कि आप लोगों को दिखानी है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। आ जाएँ इसका बोनट ओपन कर लेते हैं,
और ये जनाब इसका बोनट ओपन हो गया और ये इसका इंजन है, ठीक है, 1300 cc ये गाड़ी है इसकी। फ्रंट पट्टी बैटरी वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ओवर जो होता है गाड़ी का। और ये इसका बोनट, इंजन मैकेनिकली बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इसके बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। और डिमांड इसकी जो है ये शोरूम वाले कर रहे हैं, ये 17.5 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, बाकी मजीद कमी पेशी हो जाएगी। गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, ठीक है, आप जिस बाइक को भी समझ में आती है वो लोग रब्ता कर सकते हैं। आगे आपको दिखाते हैं जी कल्टस, कल्टस दिखाते हैं, आल्टो है, उसके बाद पुराने मॉडल में जो 4 मॉडल में होंडा सिटी है ये भी मौजूद है। उसके बाद जो ये कल्टस है, ये 2017 मॉडल है, इसकी टोटल जेन्युइन की ऑलमोस्ट आवाज़ है, माइनर क्वेक का भी इसकी ही स्प्रे हो गई लाइट सी फ्रेश लुक के लिए, लाहौर की ये रजिस्टर्ड है, फ्रंट इसका बिल्कुल साफ है। और साइड बाय साइड गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, अलॉय रिम इसमें जो है ये बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, डोर्स हैं ये इसके बिल्कुल साफ हालत में है, ठीक है, ये आप इसके टायर देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो में इसके जो रिम है ये भी आप देख सकते हैं। और आज इसकी जो बैक साइड है ये भी व्यू आप लोगों को करवा देते हैं, तो ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, बैक बम्पर वगैरह आप इसका चेक करें, डिक्की वगैरह चेक करें जनाब। और इसकी जो दूसरी साइड है राइट साइड, इस साइड से भी आप गाड़ी का व्यू चेक करें, ठीक है, इसके जो बैक फेंडर हैं, ठीक है, और जो डोर्स की कंडीशन है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फाइन है। और 17 मॉडल है जी ये, और इसका अंदर से भी जो व्यू है आपको दिखाते हैं, ये इसके डोर की कंडीशन है। और इसके बाद ये आ जाता है जी इसका डैशबोर्ड, एसी वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है जी, मैनुअल इसमें गियर ट्रांसमिशन है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है, गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। सीट्स वगैरह इसकी बिल्कुल ओके हैं, ये पीछे वाली सीट्स हैं, ऑल जो रूम है गाड़ी का ये बिल्कुल नीट हालत में मौजूद है। अभी इसका यहाँ से लॉक ओपन करके तो इसका इंजन आपको दिखाते हैं 2017 मॉडल का, फिर इसकी जो डिमांड है ये आप लोगों से शेयर करते हैं कि इस मॉडल की जो डिमांड है ये कितनी कर रहे हैं। तो 2017 मॉडल है जैसे कि मैंने बताया, तो इसका जो है लॉक मिल चुका है, तो बोनट ओपन करके ये आप देख सकते हैं इंजन, इंजन इसका जो है ये बिल्कुल 100% ओके है। बैटरी वगैरह देखें जनाब, कुप्पे वगैरह और ऑल ओवर जो इसका कंडीशन है इंजन की आप देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी वगैरह, और ये इसका बोनट है जो कि बिल्कुल ठीक हालत में है। 2017 मॉडल है जो शोरूम वाले इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये 17.5 लाख रुपये कर रहे हैं। इसके बाद जो है 2012 मॉडल आल्टो जो है, सुजुकी आल्टो ये मौजूद है, जो कि है जी लाहौर की रजिस्टर्ड है गाड़ी, फ्रेश लुक के लिए ये भी गाड़ी जो है जो स्प्रे है, बाकी इसका फेंडर वगैरह बोनट वगैरह बम्पर वगैरह आप चेक करें, ठीक है, फेंडर वगैरह इसके तकरीबन बिल्कुल ठीक है, नीट हालत में है, ठीक है, टायरों में इसके भी अलॉय रिम जो है ये देख सकते हैं मौजूद है, टायरों की कंडीशन आप देखें। बाकी जो है इसका अंदर से इंटीरियर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर से इंटीरियर आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आप इसकी जो लेफ्ट साइड है ये भी आप चेक करें, ठीक है, डोर्स वगैरह इसके बिल्कुल साफ है। और ये जनाब गाड़ी के अंदर से इंटीरियर आप चेक करें, डैशबोर्ड वगैरह, सीट्स वगैरह, ठीक है, और ये जनाब इसकी पीछे वाली जो सीट्स हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं, और डोर्स वगैरह आप इसके देख सकते हैं, ठीक है, 2012 मॉडल है ये सुजुकी आल्टो, और यहाँ पे जो इसकी बैक साइड है ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी जनाब इसकी ये राइट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है। तो गाड़ी आप लोगों को ऑलमोस्ट दिखा दी है, डिमांड इसकी बताते चले तो डिमांड जो है शोरूम ऑनर इसकी कर रहे हैं 2012 मॉडल की 12.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसमें कमी पेश हो जाएगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर लें। उसके बाद आ जाती है जी 2004 मॉडल होंडा सिटी है ये, और ये गाड़ी भी बिल्कुल ज़बरदस्त है जी, इसको स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ा लोग तैयार कर लेते हैं। और ये जो गाड़ी है ये STN जो है ना, ये इसका नंबर लगा हुआ है, ऑयल इसमें मौजूद है, टायरों की कंडीशन इसकी काफ़ी हद तक बेहतर हालत में नज़र आ रही है आप देख सकते हैं। बाकी इसकी ये कंडीशन है जी, फ्रंट अब से आप देखें इसका जो है बोनट और बम्पर जो ये इसका आप चेक कर सकते हैं। आ जाएँ इसका जो है मैं आप लोगों को अंदर से इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, अगर तो ये गाड़ी लॉक नहीं है तो चेक करते हैं, गाड़ी लॉक है फिल वक्त, आप इसके जो है ये चेक कर सकते हैं, डोर्स वगैरह वाइड एंगल से भी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। चाबी जो है गाड़ी की मंगवाई है, अभी गाड़ी अनलॉक हो जाती है तो अंदर से भी आप लोगों को दिखा देते हैं। इसके बैक फेंडर, बैक डिक्की वगैरह, बम्पर वगैरह आप चेक करें, ठीक है, और बैक कैमरा जो है ये इसमें मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बैक लाइट्स, बम्पर की कंडीशन जो है, और इस यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट साइड है इसका भी आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। 2004 मॉडल है ये गाड़ी, और मुनासिब कीमत में आप लोगों को इस शोरूम के ऊपर ये गाड़ी मिल जाएगी। आज अंदर से गाड़ी में आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप इसका डोर वगैरह चेक करें, ठीक है, जो इसका इंटीरियर है ये भी माशाल्लाह ठीक हालत में है, मॉडल के लिहाज से कंडीशन गाड़ी की ज़बरदस्त है। जो सीट्स हैं इसकी, इसकी जो पोशिश है सीट्स की, ये तकरीबन बिल्कुल साफ हालत में, पीछे वाली सीट्स भी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी जो डिमांड है ये 10.5 लाख रुपये कर रहे हैं शोरूम वाले, और अगर कोई बड़ा इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता करें, नंबर इनका जो है वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी मैंशन किया हुआ है, ठीक है। मक्का मोटर्स है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे 2006 मॉडल जो है ये भी एक कल्टस मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, ठीक है, वाइट कलर में है ये गाड़ी, सुजुकी कल्टस, अलॉय रिम है इसके टायरों में मौजूद है। साइड बाय साइड आप गाड़ी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसके डोर्स वगैरह अंदर से जो है इसका गत्ता थोड़ा सा ये रिमूव किया गया, बाकी आप इसका ये डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं, ठीक है,
और सीट्स वगैरह जो है ये ऑलमोस्ट इसकी बिल्कुल ठीक है। ये इसका अंदर से जो है आप देख सकते हैं रूम वगैरह, और इसकी जो डिमांड है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। इसकी आप बैक साइड चेक करें, ठीक है, आउट साइड जो है ये गाड़ी की माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। डिमांड है इसकी ये 9,75,000 रुपया कर रहे हैं शोरूम वाले, ठीक है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द से जल्द एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।